टू माई चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने ढेर सारे कैंडल्स जला करके क्यों बैठी हुई। अरे भाई, बहुत जल्द दिवाली आने वाली है और दिवाली रोशनी का त्योहार है, तो मैंने भी अपने घर को थोड़ा सा जगमग जगमग कर दिया है। जैसा कि टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ सेंटेड कैंडल्स बनाना। इस तरीके के कैंडल्स मार्केट में बहुत ही अवेलेबल हैं, लेकिन वो थोड़े से महंगे पड़ते हैं। अगर आप एक ठीक ठाक साइज का कैंडल लेने जाते हैं तो उसकी कॉस्ट अराउंड 400 से 500 आती है। तो आप सोचिए कि अगर आप इतने ढेर सारे कैंडल्स लेंगे तो आपका बजट कहाँ पहुँच जाएगा। तो मैं वैसे ही कैंडल्स बनाना अच्छे तरीके से आज आपको सिखाने वाली हूँ कि आप महंगे वाले कैंडल्स अपने घर में कैसे कम दाम में बना सकते हैं उसी फ्रेग्रेंस के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं रंग बिरंगे खूबसूरत से कैंडल्स। सेंटेड कैंडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है सोए वैक्स और विक्स। ये विक्स होते हैं जिनको हम कैंडल के अंदर लगाते हैं और यही जलने के काम आते हैं। और सोए वैक्स रॉ वैक्स होते हैं और ये बहुत ही आसानी से मेल्ट हो जाते हैं, और अच्छी बात है कि इनमें से धुआं वगैरह नहीं निकलता है। तो अब मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े में कर रही हूँ और मैं इसको डबल बॉयलर पे मेल्ट करूँगी। मैंने एक भगोने के अंदर पानी रख दिया है गर्म होने के लिए और वैक्स को मैं पिघला रही हूँ। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं और गैस पे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम बहुत कम होना चाहिए, अदरवाइज वैक्स जल जाएगा। कैंडल को खुशबूदार बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये एसेंशियल ऑयल। ये भी आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। इनके कुछ ड्रॉप्स हमें डालने होते हैं, जितना आपको चाहिए। जैसे मैंने इसमें 20 ड्रॉप्स डाले हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, अगर आपको माइल्ड चाहिए तो आप क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि वैक्स जब आप पिघलाएं तो तुरंत ही उसके अंदर एसेंशियल ऑयल न डालें, 5 मिनट बाद डालें। अब यहाँ पर मेरे पास ये दो छोटे छोटे ग्लास हैं, पहले से पड़े हुए हैं। इसके अंदर मैं बिल्कुल सिंपल सा कैंडल बनाने वाली हूँ। पहले मैंने विक को सेंटर में चिपकाया है। ध्यान रखिएगा कि ये जो विक है ये बिल्कुल सेंटर में ही रहे, साइड वाइड में बिल्कुल ना जाने पाए। अदरवाइज़ जब कैंडल जलेगी तो एक साइड से वो पूरी पिघलती जाएगी और एक साइड का आपका पूरा वैक्स उसमें पड़ा रह जाएगा। अरे, सेकेंड कैंडल के लिए मैंने ये एक थोड़ा सा बड़ा ग्लास लिया है और ये कुछ ड्राई पेटल्स हैं, ये सारे मिल जाते हैं मार्केट में इजी। और ये विक, यहाँ पर मैंने एक बड़ा ग्लास लिया है और ग्लू गन की हेल्प से मैं ये सारे जो भी मैं चीज़ें इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ उसको स्टिक कर रही हूँ, ताकि जब मैं वैक्स डालूँ तो ये चीज़ें इधर उधर ना हो। तो ये जितने भी ड्राई पेटल्स और आप में ये लीफ देख रहे हैं, इन सब को पहले मैंने ग्लास के अंदर अच्छे से स्टिक कर दिया है और बाद में मैं इसके अंदर वैक्स गर्म करके डालने वाली हूँ। मैंने वैक्स मेल्ट कर लिया है और इसके अंदर मैं अब एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ और अब सिंपली मैं इसको अच्छे से इसके अंदर पोर करूँगी। और वही चीज़ मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि विक सेंटर में रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक स्टिक यूज़ किया जिससे कि वो विक हिले ना। हमारा तीसरा कैंडल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये पेपर के ग्लास लिए हैं और कुछ क्रेयॉन्स लिए हैं और मैं कलरफुल कैंडल बनाने वाली हूँ। तो मैंने पहले वैक्स को मेल्ट किया है और उसके अंदर ये ग्रीन कलर का मैंने क्रेयॉन इसके अंदर डाल दिया है। ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसको ग्लास के अंदर पोर करेंगे। वैक्स डालने से पहले मैंने इस ग्लास के अंदर अच्छे से ऑयल से ग्रीसिंग कर दी है, क्योंकि मैं बाद में ये कवर हटाने वाली हूँ। तो ग्रीसिंग अगर कर देंगे आप तो पूरा अच्छे से कैंडल बाहर आ जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर विक लगा रही हूँ और ये ग्रीन वैक्स अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। और जितने भी कैंडल्स मैं बना रही हूँ उन सारे कैंडल्स को मैंने रात भर अच्छे से कूल होने के लिए छोड़ा है। मॉर्निंग में जाकर के ये सारे कैंडल्स रेडी हुए हैं। तो यहाँ पर अब मैंने एक और प्यारा सा कलर यूज़ किया है, हल्का सा लेमन ग्रीन कलर, और उसका मैंने यहाँ पर दूसरा वाला कैंडल बनाया है।
नेक्स्ट कैंडल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाजमोला और फाउंडेशन की खाली शीशियों को यूज़ किया है, जिनके अंदर मैं खूबसूरत सा कैंडल बनाने वाली हूँ। तो आप लोग भी अपने घर में इस तरीके के अगर खाली जार हो या शीशे हो या पुराने ग्लास हो जो कि आप कम यूज़ कर रहे हों, तो उनको यूज़ करके आप अपने घर में प्यारा सा सेंटेड कैंडल बना सकते हैं। और ये सारे ही कैंडल बहुत अच्छे लगते हैं, मार्केट में अगर आप लेने जाएंगे तो बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। तो बेटर है कि हम घर पर ही इसको बना लें और बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है इसका आउटकम। अभी आप देखेंगे जब सारे कैंडल्स बन जाएंगे तो मैं आपको सारे जमने के बाद दिखाने वाली हूँ। नेक्स्ट कैंडल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये एक पिकल जार, और उसके अंदर मैं लेयर वाले मल्टी कलर कैंडल बनाने वाली हूँ। तो मैंने तीन अलग अलग रंग के मेल्ट कर दिए हैं वैक्स, और उनको मैं वन बाय वन इसके अंदर पोर करने वाली हूँ। इतना याद रखिएगा कि जब पहले नीचे का एक लेयर अच्छे से जम जाए तब उसके ऊपर दूसरे कलर का वैक्स आप डालेंगे। बारह घंटे बाद अब आइए देखते हैं कि कैंडल कैसे बन के रेडी हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने पेपर कप के अंदर कैंडल बनाया था, और ये देखिए बहुत ही अच्छे से जम गया है और बहुत आसानी से ये बाहर निकल आया, क्योंकि मैंने अच्छे से बॉटल के वो पेपर कप के अंदर ग्रीसिंग की हुई थी। तो दोनों ही कैंडल ईजिली बाहर आ गए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं दोनों कैंडल, एक लेमन येलो और ये एक ग्रीन कलर का। तो ये देखिए मेरे सारे कैंडल्स बन के रेडी हो गए हैं, और अब मैं चलिए आपको इन सारे कैंडल्स को वन बाय वन जला करके दिखाती हूँ। आपको ये सारे कैंडल्स ज़रूर पसंद आए होंगे, और देखा आपने कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितने झटपट बन के रेडी हो गए हैं। और मैंने घर के अंदर पड़ी हुई पुरानी शीशियों, ग्लास, इनको ही यूज़ करके सारे कैंडल्स को बनाया है। काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी हैं, मार्केट में ये बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं, और ये सारे कैंडल एक से डेढ़ घंटे के अंदर बन के रेडी हो गए हैं। हाँ, जमने में इनको रात भर का समय लगा है, बहुत ही मुझे मज़ा आया कैंडल्स बनाने में, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए आर्टिस्टिक लाइफ विद पी हूँ प्रीति। बाय बाय।